और गड्ढा करके लिए बहुत जो बहुत भरदार तौर से माटी खान कर निकाल दिया और माटी अलग से आया नहीं, इधर का माता उधर ले गया, उधर का इधर ले गया, अपना बना दिया। अच्छा, जब बरसात के का समय आता होगा उस वक्त तो पानी की समस्या लग जाती है? पानी की समस्या तो लग जाता, अभी भी पानी लग जाता है, अभी भी रोड पर यहाँ पानी डालेगा तो बीच में भट होना पानी। अच्छा, आगे ऊंच है, उधर ऊंच है, बीच में गहरा है। अच्छा, यहाँ जहाँ पर बिहार में बाहर है और फिर से 2020 में नीतीश कुमार की सरकार है और ये 2021 चल रहा है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल पिछले 15 सालों में जो उनका कार्यकाल रहा है और फिर से इस बार वो मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने बिहार को दुनिया में एक अलग चेहरे के रूप में स्थापित किया है। वो बिहार जहाँ की सड़कों की स्थिति बद से बदतर थी, उन सड़कों की स्थिति आज बहुत ही खूबसूरत दिखती है। गांव गांव में सड़कों का जाल बिछाने का सरकार दावा करती है और धरातल पर भी ये चीजें बहुत हद तक सही दिखाई पड़ती है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि लोगों को, आम जनों को परेशानियां ना हो, सड़कों का जाल हो, नालों का निर्माण हो और तमाम तरह की नीतीश सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं जब धरातल पर आती है तो कुछ जगह भ्रष्ट जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों की संलिप्तता के कारण ये अपना दम तोड़ देते। पथनाहा प्रखंड के दिग्घी पंचायत में, और जब हम यहाँ पहुंचे अपना ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने को, क्या सच्चाई है नीतीश सरकार की जो योजनाएं चलती है वो धरातल पर कितनी हद तक सही है इसकी जांच करने को, तो यहाँ हमारे समक्ष बहुत सारे भ्रष्टाचार की बदबू आती हुई दृश्य नजरों के सामने आ गए। हमने लोगों से पूछा और लोगों ने बतलाया कि सर जब आइए, हम अब यहाँ के जनता की जुबानी आपको दिग्घी की कहानी सुनाते हैं, किस प्रकार का ये भ्रष्टाचार से लिप्त सिस्टम हो चुका है, सरकार की योजनाएं क्यों नहीं धरातल पर सही से सफल साबित हो रही। आप दस सीतामढ़ी देखें, जब सड़कें बनती है यहाँ और थोड़े ही दिन में टूट जाता है, कैसे टूट जाता है? भूकंप आया था क्या? भूकंप नहीं आया, भूकंप नहीं आया। तो कैसे टूट गया, मतलब पता हमें आपने, आप लोगों ने बतलाया कितने दिन पहले ये सड़क बना था? दस दिन पहले। तो ये सड़क कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, क्या कारण है इसका? ढलाई कम के कारण। कम ढलाई, तो मतलब जब बनता है तो आप लोग उस समय मुखिया जी को या जो बनाते हैं उन लोगों को बोलते नहीं कि सर एक जगह ढलाई ज्यादा हो, ऊंचा हो रहा है, एक जगह नीचा क्यों? नहीं मानता है। क्या आप बोलते क्या? वो अपना मनमानी ढालता है, कि जगह कोनो कहेगा तो घर बोलेगा उसी पर लड़ पड़ेगा, तो कौन बोलेगा डर के मारे? तो क्या हाल है आपके पंचायत में? पंचायत में यही हाल है कि रोड ढला, अपना जैसे कमजोरी पाकर लोकर के लोग जैसे सही से नहीं ढाल पाता है। मुखिया के टेंडर जैसे वार्ड के बनाना है, महज वार्ड नहीं बना पाया, कैसे न कैसे ही लोग से बनाते हैं गाड़ी लेकर, वही रोड सही से नहीं ढाला, कहीं नीच है कहीं ऊँच है, इस करके ढाल दिया, अपना माल बचा कर जो है से अपना अपना घर रख लिया, ऐसे रोड नहीं टिक पाया। अभी 10 दिन पहले रोड बना, अभी रोड जो है टूट पाया हुआ है, कैसे कैसे ढाला तो। आप लोग शिकायत करते हैं कभी मुखिया जी के पास इसकी? शिकायत किए थे। क्या बोले? कहे कि मुखिया जी रोड ऐसे ऐसे ढल रहा है, आ करके इंक्वायरी कर दीजिए। मुखिया नहीं आया, आगे जो है लोग सब अपना कार्यक्रम दिया है, उन लोग अपना ढलवाया। तो सही से काम करेगा तो सही रहेगा, इसमें माल बचत ज्यादा होता है, इसमें गिट्टी मिलाना है, बालू मिलाना है, सीमेंट मिलाना है, मात्रा से नहीं मिलाता है। यहाँ 10 बोरा सीमेंट मिलाता है, वहाँ 2 बोरा से काम चलाता है, तो टूटबे करेगा। बालू देगा ज्यादा, गिट्टी देगा ज्यादा, अब सीमेंट देगा कम, तो कहीं ऊंच ढालेगा कहीं नीच ढालेगा, तो टूटबे करेगा। आम बात है टूटना। आप लोग रोकते नहीं है जब? रुकना किसी से कौन रोकेगा, कौन रोकेगा, किसको मार खाना है? एक आदमी वहाँ ढालने वाला है, 5-6 आदमी है यहाँ, दोनों तरफ से आदमी कोई नहीं, जो ढालता है अपना ढालता है, इसमें कौन रोकेगा? जो रोकेगा उसको बोलने थोड़ी देता, वो अपना मनमर्जी से ढालता है। अच्छा, हाँ अपना वो ढालता है, जैसी मर्जी वो अपने ढाले, हम तो बोले भी नहीं, बोले भी नहीं दिया तो बोलेंगे क्यों?
ओहो बात सो है, अपना मर्जी से ढाला, जैसा मर्जी वैसा। कुआं खनना था, कहीं ऊंच भरना था तो और गड्ढा खर के लिए बहुत जो बहुत भरदार तौर से माटी खान कर निकाल दिया, और माटी अलग से आया नहीं, इधर का माता उधर ले गया, उधर का इधर ले गया, अपना बना दिया। अच्छा, जब बरसात के का समय आता होगा उस वक्त तो पानी की समस्या लग जाती है? पानी की समस्या तो लग जाता, अभी भी पानी लग जाता है, अभी भी रोड पर यहाँ पानी डालेगा तो बीच में भट होना पानी लगता है। अच्छा, आगे ऊंच है, उधर ऊंच है, बीच में गहरा है। अच्छा, यहाँ जहाँ पर आप खड़ा है यहीं पर गहरा है, गहरा है, गहरा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक गहरा पानी है। अभी अगर चेक करना है तो यहाँ 10 बटन गाड़ी झील कर देखिए, मतलब एक तरफ ऊंचाई है और हाँ, इस एक तरफ फिर उधर की तरफ हाँ, बीच में हाँ, यहाँ से वहाँ तक गहरा है। इसी कारण से अगर हाँ, पानी यहाँ पे पास हुआ हाँ, तो लग जाता है रोड पे, अभी रोड पर पानी लग जाता है। अभी 10 बटन अगर पानी यहाँ उझला है तो पानी नहीं निकलेगा, कहीं नहीं निकलेगा, यही रह जाएगा पानी। आप लोगों के पंचायत में और सौ वार्डो में काम होता है? ना, वर्षों में कहाँ, अभी तो तुरंत काम हुआ है। अच्छा, अभी चुनाव नजदीक आया तब ये काम, इसलिए काम शुरू हुआ है। अच्छा, फिर चुनाव हो जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन नेता भी कहाँ जाएगा, इसका कोई ठिकाने नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कौन नेता कहाँ जाएगा। तो अभी लेना है तो झूठों के अपना थूक लगा कर काम कर दिया। चलो भाई, महिला से कुछ सवाल कीजिए, महिला से बात यही है। पानी में एको को सीमेंट सब जमा हो गया है, एको को सीमेंट पानी बढ़ते पानी सीमेंट पानी में यही पर रह जाती पानी, कहूँ ना पानी जा सकते थे, पानी पानी में पानी रहते, कम कम पानी इतना बता दे है, कम सीमेंट दे ले, बेसी बारू दे ले, घसा घसा के बह रहा है। जब बन रहा था आप तो बोले नहीं? नहीं बोले देगा, बोलने नहीं देते ना, कोई ना दोनों तरफ कर भी कोई ना बोले देगी। अच्छा, तो ये बस तेना मन तेना धड़ाएगा। अच्छा, जैसे मन होगा वैसे हां तैसे धड़ा लेगा। तो आप लोग काम नहीं रोके, मतलब आसपास में ना ना रोके दे, कहते ना मन तेना कर जाएगा। अच्छा, डराया जा, मतलब डर जाते हैं सब, सब डराए तो घर में रहे को ना जाबे से। ओहो,